क्वेश्चन हेलो मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि देवरी जी ने घर में बहुत प्रॉब्लम देवरी हमारे शो में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फोर्स है जिसके पास बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर्स हैं. वो फायर को भी कंट्रोल कर सकता है, पानी को कंट्रोल कर सकता है, हवा को कंट्रोल कर सकता है. तो उसने पहले भी बहुत कुछ किया हमारी जो बच्ची है उसके खिलाफ. तो अब वापस वो आया है एंड ही इज़ मच मोर पावरफुल दिस टाइम. वो और ज़्यादा शक्तियों के साथ लौटा है और आई थिंक अगर आप किसी सांप को आधा मार के छोड़ दो ना तो वो और ख़तरनाक हो जाता है. तो वही हाल हमारे शो में हो रहा है. तो अब देवरी आए हैं और हम सब बहुत डरे हुए हैं और हम सब मतलब हमारी पूरी फैमिली अभी यूनाइट हुई है उसके अगेंस्ट कि हम सब साथ. यूजली ऐसा हो रहा था कि हम सब बट गए थे, झगड़े हो रहे थे, सब हो रहा था. अब लेकिन उसके अगेंस्ट पूरी फैमिली साथ में आई है और अब हम साथ में प्लान कर रहे हैं कि उसको इस बार मात कैसे देनी है. हाँ मतलब अब क्या हो गया है, अब देवरी ने अपनी हर जो कहते हैं एक्सपेक्टेशन, शायद जो ऑडियंस भी सोचती इतना करेगा उसको भी 100 गुना ज़्यादा कर दिया है. तो अब उसके लिए सही गलत या अपना पराया कोई नहीं है. तो वो अब बहुत स्केरी रूप से वापस आए हैं और उसके पास अभी जो उसकी शक्तियाँ हैं वो और बढ़ गई हैं. तो इट्स यू नो लिटिल स्केरी नाउ. और मगर हमारी फैमिली क्योंकि हमेशा सच का साथ देते आई है और बहुत भगवान को मानती है, तो अब ऐसा हो गया है कि शैतान और भगवान के अगेंस्ट एक वॉर चल रही है हमारे शो में. तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा न्यू सलूशन आप लोग लेकर आने वाले? वो शो में देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न्स आने वाले हैं आगे, जहाँ किस तरह से हम देवरी के अगेंस्ट प्लॉट जो करते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं और क्या वो वाकई में फलता है या देवरी हमको यू नो मात देता है. वही अभी चेस का गेम होता है ना, आप लास्ट मोमेंट तक चेकमेट 3 बार करते हो लेकिन उसके बाद भी कौन जीतता है पता नहीं चलता. समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन इन आवर शो. मतलब नंदू ने डायरेक्टली मना कर दिया कि मैं अपने भाई के खिलाफ कोई मतलब ये नहीं करूंगा. आई थिंक यू नो अपना सिक्का खोटा भी हो तो अपना ही होता है, वैसे ही परिवार वाला कोई भी गलत भी हो लेकिन अपना खून तो अपना खून होता है. तो ऑब्वियसली उसकी दुविधा करेक्ट है. नंदू देवरी की सच्चाई जानता है लेकिन कोई मारना थोड़ा चाहता है अपने खून को, तो उसी दुविधा में हम फंसे हैं. लेकिन क्योंकि अब देवरी हर यू नो ह्यूमैनिटी क्रॉस कर चुका है तो हम सब एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं. तो लेट्स सी, प्लीज़ देखिए शो तो आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है. क्या डे टू डे में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज हम लोग सुपरमार्केट्स जाते हैं तो बहुत आसान है यू नो आप स्वाइप कर लो. लेकिन अगर आप कोई वेजिटेबल नीचे फटाफट खरीदना चाहते हो या यू नो आप कोई कैब में बैठते हो किसी कारण, या जो छोटी मोटी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत मुश्किल है. एंड आई थिंक मेरा कंसर्न मेनली जो लोअर मिडिल क्लास है उन लोगों के लिए है, क्योंकि उनकी हर ज़रूरत ही यू नो छोटे लेवल से स्टार्ट होती है और उनको 10-20 रुपए से लेकर 100 रुपए की ज़रूरत पड़ती है. तो उन लोगों को बहुत डे टू डे में आई थिंक मुश्किल पड़ रही है. लेकिन आई थिंक इंडिया ने हमेशा पेट्रियाटिज़म में यू नो पूरा वर्ल्ड मानता है. तो अगर हम लोग सब साथ में रहें और एक दूसरे की हेल्प करें, यू नो आपको अगर कहीं लगता है कि कोई वेंडर हेल्प कर सकता है आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कीजिए क्रेडिट में देने के लिए. यू नो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. हम लोग सोसाइटीज़ में क्रेडिट कि अभी आप हमें लोन पे दे दीजिए हम आपको बाद में दे देंगे टाइप्स, वो हर आई थिंक जब भी स्पेशली मुंबई या इंडिया में कोई प्रॉब्लम आई है तो बहुत अच्छे से उसको टैकल किया गया है. तो प्रॉब्लम है लेकिन आई एम श्योर विल कम आउट ऑफ इट. थैंक यू, हैव अ गुड डे.